Good morning, students. Let's start exercise 6.4 of chapter Squares and Square Roots. Question is, find the square root of each of the following numbers by division method. Square root निकालना है, division method से निकालना है. आप पहले दो method कर चुके हो, एक prime factorization method और उससे पहले repeated subtraction method. This is division method. अब division method नाम से ही पता चल रहा है, आप division सीख चुके हो, बहुत पहले से आपको divide करना आता है. तो इसमें क्या अलग है division method में? इसमें क्या करना है? आपको सबसे पहले बार लगाना है. जैसे आपको 2304 का square root निकालना है. First part is this. Then आपको सबसे पहले क्या करना है? Put the bar. राइट साइड से मींस जहां से वंस डिजिट है वहां से आपने पेयर पे बार लगा देना है. जितने भी पेयर बनते जाएं बार लगाते जाइए. जैसे यहां पर 04 का एक पेयर है और 23 का पेयर है. सपोज यहां ऑड नंबर्स होते तो उनका भी इसी तरह से बार लगते चले जाते. ये तो अब फोर डिजिट्स हैं. सपोज हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो आपने यहां से बार लगाना शुरू करना है 1, 2, 3, 4, 5. अब ये था आपके इस तरह से पेयर बन गए. हो सकता है यहां पे भी कोई नंबर हो, सपोज ये भी नंबर है तो ये सिंगल रह जाएगा. आपने वंस डिजिट से बार लगाने शुरू करने हैं पेयर बनाकर. तो इस तरह हमने करना है. अब डिवाइड कैसे करना है? हम डिवाइड पहले कैसे करते हैं? किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो भी नंबर होता है उस से छोटा लेना होता है. यानी मान लो हमें ऐसे करना है, सपोज आप 2 से डिवाइड करते हो 754 को, तो आप यहां पर 2 1s are 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 इस तरह से लेते हो. अब यहां 7 के नीचे कौन सा लेते हो? 8 नहीं ले सकते, उससे छोटा लेते हो. हालांकि 2 भी चला जाता है, इसके नीचे 4 भी चला जाता है, वो नहीं लेना ना. हमें वो लेना है जो सबसे बड़ा है उससे छोटा. तो अब इसमें भी हमने क्या करना है? एक तो इस तरह से इसको आप स्क्वायर रूट का साइन होता है ऐसे लगा लेंगे. फिर से बता देती हूं एक बार, 2304 पहले हमने बार लगाया, वंस डिजिट वाली साइड से स्टार्ट किया, एक पेयर ये बन गया और एक ये बन गया. उसके बाद आपने ये करना है. अब आपने एक ऐसा नंबर लेना है उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट की बात हो रही है. स्क्वायर करना है जो 23 के इक्वल आए या 23 से कम आए. अब देखिए, मान लीजिए मैं 1 लेती हूं, 1 1s are 1 2 2s are 2 3 3s are 9 4 4s are 16 5 5s are 25. हमने स्क्वायर लेना है. अभी 23 है, 25 नहीं जा रहा, हमने क्या करना है? 4 लेना है क्योंकि 16 जाएगा. यहां भी लगाएंगे आप 4 और यहां पर भी लगाएंगे 4. 4 4s are 16. डिवीजन में हम सिंपल जिस पे जा रहा है ऐसा करते हैं, या हमें स्क्वायर लेना है ये बात है. अब 4 and 4 8 डबल लेकर यहां आइए, ठीक है? इसके बाद आप यहां नीचे लेकर आते हो ना, 1 by 1 लाते हो, यहां आपको पेयर लाना है. उससे पहले यहां माइनस करना है. 3 में से 6 नहीं जा सकते, आपको यहां से बोरो करना पड़ेगा. 13 minus 6 दैट इज 7. 1 minus 1 is 0. अब आपको 0 नहीं यहां से लाना, यहां 04 लिखकर आना है. यहां कर दिया हमने 4 and 4 8. अब क्या करना है? पहले तो हमने इस तरह से किया, अब हमने क्या करना है? हमारे पास 8 है. अब 8 के आगे नंबर लगाकर तब हमने करना है. जैसे 1 लगाया और 81 1s are करेंगे, 81. अब 8 के बाद 2 लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 164. अब ये ध्यान दे सकते हो आप, जैसे 4 है ये किसका स्क्वायर हो सकता है? 2 2s are 4 या फिर 8 8s are 64. 4 तो तभी आएगा. हम 8 के आगे 8 लगाकर फिर 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नहीं तो आप सारे ट्राई करेंगे, 83 3s are 84 4s are 85 5s are. अगर आगे नंबर्स होते तो हम वो
पड़ेगा, बट अगर ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इन्होंने स्क्वायर रूट मांगा है हमसे, इट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये पक्का है या तो ये 82 2s पे जाएगा या 88 8s पर चला जाना चाहिए. 8 8s 64, 8 8s 64 एंड 6, 64 एंड 6 70, 704 आ गया, 8 यहां आ जाएगा और 8 ये आ जाएगा, 704 आ गया. ये तब तक करते जाना है आपने जब तक कि 0 नहीं आ जाता, और हमारा स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 48. स्क्वायर रूट ऑफ 2304 = 48. ये है डिवीजन मेथड. आप और करेंगे और क्लियर होंगे. देखिए इसमें क्या करते हैं, सेम ऐसे ही करने हैं आपको. सेकंड पार्ट इज 4489, पुट द बार, ठीक है, वंस डिजिट्स वाली साइड से आपने बार लगाते जाना है पेयर लेकर के. अब 44 है, अब हमने क्या करना है, 1 1s are 1 2 2s are 4, 3 square 9 होता है, 4 square 16 होता है, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49. जैसे ही 49 आया वो हमारा 44 के नीचे नहीं जा रहा, इट मींस हमें 6 का स्क्वायर लेना है. 6 6 are 36, माइनस करेंगे इसको, आप यहां ले आइए, 4 में से 6 नहीं जा सकते, 1 बोरो करेंगे, 14 माइनस 6 दैट इज 8, 3 माइनस 3 इज 0, 89 लेंगे आप यहां पर, 6 and 6 12, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहां 9 है तो हमें क्या देखना है, 3 3s are 9 और 7 7s are 49. इट मींस ये 12 तो रहेगा ही यहां पर, इसके बाद या तो ये 3 से जाने वाला है या फिर ये 127 को 7 से कर दीजिए, ये नंबर आ जाएगा. देखिए 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 7 7s are 49, 4 7 2s are 14 and 4 18, 1 7 1s are 7 and 1 8, 889 आ गया, means ये 7 से जा रहा है, 8 8 9, 0 आ गया. इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4489 = 67. ये डिवीजन मेथड से इस तरह से स्क्वायर रूट करना है. अब आप सारे पार्ट्स कर सकते हैं, पहले आप वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करेंगे, फिर आप यहां से टैली करेंगे. थर्ड पार्ट इज 3481. वंस प्लेस से हमने पेयर बनाए, 34 इसका स्क्वायर इसके नीचे जा रहा है, 5 5s are 25 एंड 6 6s are 36. 36 इज ग्रेटर देन 34, दैट्स व्हाई 5 लेना है आपको, 5 5s are 25. माइनस करेंगे 9 आया, 981, 5 and 5 10, इसका डबल लेना है आपको यहां, 10 आ गया. अब या तो ये किस पे जाता है, 1 1 कैसे आएगा, किसका स्क्वायर 1 होता है, वंस डिजिट किसके स्क्वायर में आता है, या तो 1 में आता है या फिर 9 में आता है. 101 आ गया, 109 को 9 से करेंगे तो 981 आ गया, तो 981, तो माइनस कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3481 = 59. फोर्थ पार्ट इज 529.
पेयर बनाएंगे। पीछे से स्टार्ट करना है आपने फर्स्ट डिजिट वाली साइड से 29। अब यहां घबराना नहीं है, यहां सिंगल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। देखिए 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 is greater than 5, सो क्या लेना है आपको, 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1, 29 लेंगे, 2 and 2 4। अब क्या लेना है आपको, 9 कब आता है, या 3 का स्क्वायर है या 7 का स्क्वायर है, तो 43 threes are या फिर 47 sevens are, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 129 आ ही गया, तो ये ट्राई करने की नीड ही नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 is 23। नेक्स्ट पार्ट इज 3249। सबसे पहले पेयर बनाइए, पेयर बनाकर इस तरह से बार लगाना है आपने। अब 32 है फर्स्ट पेयर हमारा, तो 5 5s are 25, 6 6s are 36, 36 is greater than 32, इसलिए आपको 5 लेना है, 5 5s are 25, 5 and 5 10। अब 3 3s are 9 होता है या 7 7s are 49 होता है, ये या तो आपका जाएगा 3 से या जाना चाहिए आपका 7 से। 3 3s are 9, 3 0s are 0 and 3 1s are 3, 7 7s are 49, 4 7 0s are 0 and 4 4 7 1s are 7, आ क्या ये 7 से जा रहा है, 7 7 749। स्क्वायर रूट ऑफ 3249 is 57। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 1369। फिर से बार लगाएंगे वंस डिजिट वाली साइड से करते जाना है और पेयर बनाना है, एक पेयर पे आपको इस तरह बार लगाना है। देखिए 13 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 16 is greater than 13, so आपको क्या लेना है, 3 3 3s are 9, 13 minus 9 is 4, 69 ले लेंगे यहां से, 3 and 3 6। अब वही 9 है तो 3 आएगा या 7 आएगा, 63 को 3 से करिए, 3 3s are 9, 3 6s are 18। 7 से करके देख लेते हैं, 7 7s are 49, 7 6s are 42 and 4 46। स्क्वायर रूट ऑफ 1369 is 37। नेक्स्ट पार्ट इज 7 5776। लास्ट डिजिट से शुरू करते हुए बार लगाइए पेयर्स पे। देखिए 57 के नीचे किसका स्क्वायर जाता है, अब 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64,
64 इज ग्रेटर देन 57, 8 नहीं ले सकते, आपको 7 लेना है. 7 7s are 49. 8 आ गया, 17 माइनस 9 इज 8, या 4 बचा, 4 में से 4 गए 0, 0 लगाने की नीड नहीं है. 7 एंड 7 14. अब 6 कब आता है, या तो ये आता है 4 स्क्वायर में या फिर 6 स्क्वायर में. 4 4s are 16, 6 6 are 36, यानी यहां 6 आ गया. अब आपने 14 के आगे या तो 4 लग के आएगा बेटा, 144 को 4 से करेंगे, या 14 के आगे आप 6 लगाकर 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ट्राई कर लेते हैं, 6 6 are 36, 3 6 4 are 24, 25 26 27, 6 1s are 6 and 2 876. 6 से चला गया है, अब 4 से ट्राई करने की नीड नहीं है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज 76. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7921. Eighth part is this, 7921. बार लगाएंगे पेयर बनाते हुए. Nine minus four, five, and seven minus six is one. 21 आपका यहां से आ जाएगा. 8 and 8, 16. अब 1 कैसे आए, किसका स्क्वायर 1 होता है, या तो 1 का या फिर 9 का. 169 into 9, 9 9s are 81, 8 9 6s are 54, and 8 62, 9 1s are 9 and 6 15. आप सोच रहे होंगे 1 क्यों नहीं लिया, आइडिया हो जाता है बेटा, 16 तो ऑलरेडी है, अगर हम 1 लेंगे तो 161 ones are 161, वो तो जा ही नहीं रहा, इसलिए हमने डायरेक्टली 9 से कर दिया. स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज 89. Now, ninth part is 576. 12 लगाएंगे पेयर बनाते हुए और ये सिंगल डिजिट पे आ जाएगा. किसका स्क्वायर 5 के नीचे जा रहा है, 2. 2 2s are 4. 176 आ जाएगा यहां पर. 2 and 2, 4. अब 6 देखो किसमें आता है, 4 का स्क्वायर या फिर 4 ऑलरेडी है, उसके बाद आपने 4 लगाना है, 4 को 4 से करना है, इसी तरह से 4 के आगे 6 लगाना है और फिर 6 से करना है. अब देखिए 4 4s are 16, 4 4s are 16 and 1, 17. यही आ गया है, तो उसको ट्राई करने की नीड नहीं है. आपको कैलकुलेट करते करते ही पता चल जाएगा कि 4 से जाने वाला है या 6 से जाने वाला है. तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24. नाउ टेंथ पार्ट इज 1024. बार लगाना है पेयर बनाते हुए. अब टेन
सेवन के नीचे किसका स्क्वायर? थ्री का, थ्री थ्री आर नाइन, टेन माइनस नाइन वन, ट्वेंटी फोर आ जाएगा, थ्री एंड थ्री सिक्स. अब फोर या तो टू का स्क्वायर या एट का स्क्वायर. सिक्स के आगे आप लगाएंगे टू, फिर टू से ही मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू आर फोर, टू सिक्स आर ट्वेल्व, टू से ही चला गया है. पूरा पूरा जाना चाहिए क्योंकि हमें यहां क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तब स्क्वायर रूट आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32. नेक्स्ट इज 11th पार्ट 3136. बार लगाएंगे वंस डिजिट वाली साइड से, जो वंस प्लेस पर डिजिट है उसी साइड से आपको लगाना है. अब 31 के नीचे किसका स्क्वायर? 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, बट 36 इज ग्रेटर देन 31, सो 5 5 25. 11 माइनस 5 6, 2 माइनस 2 0, 5 एंड 5 10. अब 10 हमारे पास है, यहां 6 है, क्या लेना है आपको? 6 कैसे आता है? 4 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर, या तो 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं या 6 से करके देख सकते हैं. 4 4s आर 16, 4 1s आर 4, 6 6 आर 36, 6 1s आर 6. 36 कैसे आया? ये जीरो होती है जब, तो आप लगा सकते हो, वरना आप ऐसे भी देख सकते हो, 6 6 द 36, 3 कैरी, 6 0 द 0 एंड 3 3 आ जाता है. तो ये 6 मिल गया आपका, 6 36. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज 56. नाउ 12th पार्ट इज 900. पेयर बन गए, ये सिंगल डिजिट रह गया. हां जी, अब यहां पे कई बच्चों को कंफ्यूजन है, देखिएगा. अब 9 है, 9 के नीचे तो 3 9 ही जाएगा, 3 3 इज 9, 3 का स्क्वायर जा रहा है, यहां पर आपका 0 आ गया, उसको नीड नहीं है लिखने की. अब आपने क्या करना है, आंसर 3 नहीं आना. ये मिस्टेक बहुत की जाती है बच्चों के द्वारा, ये नहीं होगी. आपने क्या करना है, यहां से दोनों 0 आनी है, जैसे कि इसमें आई है 36. अब इसको डबल कीजिए, 3 एंड 3 6 डबल करना है. अब ये किस पे जाएगा, 0 किस पे आता है, डबल 0 कब आएगी? आपको पता ही है, जब आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, बट आप जब 66 है पहले तब भी 0 से करोगे तो भी 0 आएगा, बट यहां तो 6 आ गया ना, तो इसका मतलब यहां आपने 0 लगानी है, यहां भी 0 आएगी. 60 0s are 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30. स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30. ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो जीरो ये समझ के 3 आंसर देते हैं, बट हमें इन जीरोस का भी तो लगाना है ना, ये जीरो, ये 60 0s are 0, ये ध्यान रखना है आपने. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स. ये तो डिवीजन मेथड हुआ. अब हमने ये बताना है किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट बताते हैं तो उसमें कितने डिजिट्स आ सकती हैं बिना हम स्क्वायर रूट निकाले. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ
द फॉलोइंग नंबर्स. हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है. फर्स्ट इज 64, सेकेंड इज 144, थर्ड इज 4489, फोर्थ इज 27,225, एंड फिफ्थ पार्ट इज 390,625. अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स गिवन है. और बताना क्या है हमने कि नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए इन स्क्वायर रूट का क्या आएगा. पहले आप ऑरली समझेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे. और ये बताना कैसे है विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई आपने कैलकुलेशन नहीं करनी और आपको आंसर पता चल जाएगा. देखिए, जब हम 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वन डिजिट में आएगा. कैसे पता चला हमें? वैसे तो अब इन्होंने तो कहा है कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट मैं आपको वैसे एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे 64 का स्क्वायर रूट ही है, क्या होगा 8, 8 इज 64, 8 क्या है सिंगल डिजिट है, वन डिजिट में आंसर आ गया. वरना इसका क्या फॉर्मूला है, जितने भी आपके पास ये डिजिट्स हैं, जिस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं, मान लीजिए एन, वो अगर इवन नंबर है, जैसे यहां पर क्या है 1 2, एन इज इक्वल टू 2, यहां कितना है 1 2 3, ठीक है. तो हमें कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ डिजिट्स, जब इवन है तो हमने क्या करना है एन बाय 2 कर देना है, 2 by 2 1 आ गया, ठीक है. और अगर हमारे पास ओड नंबर है तो हमने क्या करना है n प्लस 1 by 2, ठीक है. n क्या है 3, 3 प्लस 1 by 2 दैट इज 4 by 2, मींस 2 डिजिट्स में आंसर आएगा. वैसे भी आपको पता है 12 12 144 होता है, और यहां से भी हमारा कंफर्म हो गया. अब ये फिर इवन नंबर है, मैंने इवन है तो क्या कहा है आपको एन बाय टू. अब ये 1 2 3 4 इट मींस 4 by 2, इट मींस 2 डिजिट्स में स्क्वायर रूट इसका आएगा. अब क्या है 1 2 3 4 5 ओड नंबर है, इट मींस एन प्लस 1 by 2, 5 plus 1 by 2, 6 by 2, इट मींस 3 डिजिट्स में नंबर आने वाला है. ये नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी 3. जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर 3 डिजिट्स में आएगा. अब ये क्या है 6, 6 है तो n by 2 लगाना है आपको, क्योंकि इवन है तो 6 by 2 means 3 डिजिट्स में आंसर आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 और 2 डिजिट्स के नंबर हैं तो उनका आंसर आएगा हमारा 1 डिजिट में, और 3 और 4 डिजिट्स के यहीं से ही पता चल रहा है 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स का नंबर है तो 2 डिजिट में उसका स्क्वायर रूट आएगा. 5 और 6 डिजिट में नंबर है तो उनका 3 डिजिट्स में आंसर आने वाला है स्क्वायर रूट का. तो इस तरह से हमें पता चल जाता है विदाउट एनी कैलकुलेशन स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहने वाले हैं. तो यहाँ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.